All right. Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम हमारे चैनल पर फर्स्ट फोल्डेबल फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और लकीली वो है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 5G। वैसे इस फोन में भी बहुत सारे वर्ल्ड्स फर्स्ट वाले फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये इंडिया में दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 12-256 इसका बेस है 150,000 का है और 12-5x2 वाला भी आपको मिलेगा 158,000 का है। अलग अलग कलर्स आपको मिलते हैं, हमारे पास जो वो फैंटम ब्लैक है और साथ में दोस्तों इंडिया में पहली बार सैमसंग प्री बुकिंग जो है वो लाइव रखने वाला है, लाइव होस्ट करेगा 23 अगस्त को शाम के 6 बजे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये कैसे काम करेगा ये तो मुझे देखना पड़ेगा उस दिन। अगर आपको प्री बुक करना है तो आप 23 अगस्त को शाम के 6 बजे तैयार रहना और उसके साथ साथ बहुत सारे ऑफर्स वो लोग दे रहे अगर आप इसको प्री बुक करते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहां पर दे रहा हूं, तो जो जो चीज मैं यहां नहीं बोल रहा हूं वहां पर जाइए, आपको वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज्यादा वेस्ट नहीं करते, मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसको अनबॉक्स करने के लिए। बॉक्स देखेंगे दोस्तों, वैसे काफी चपटा सा बॉक्स है और हमारे पास जो वेरियंट है वो 12-256 है और फैंटम ब्लैक आया हुआ है। अब फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। ओ माई गॉड, अरे यार ये थोड़ा छोटा लग रहा है यार, मतलब मैंने कभी पहले कोई फोल्डेबल फोन देखा नहीं लेकिन मेरा रिएक्शन लुक स्मॉल। एनीवेज इसको रखते साइड में, पहले देखते बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे लगता है सिर्फ केबल होगा, कुछ कागजात है। जी हाँ, सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर लगी हुई है और ये टाइप सी टू टाइप सी आपको केबल मिलता है। बॉक्स खाली है दोस्तों क्योंकि बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, जैसे कि सैमसंग S21 सीरीज में था वैसे यहाँ पर सीन है। अब आते हैं असली खेल पर और इसको मैं यहाँ से कहाँ से निकालूं, अच्छा यहाँ से निकलेगा। ऑल राइट, ओह माय गॉड क्या बात है, एक अलग ही फील हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इस बार। बहुत सारे फोन्स की हमने अनबॉक्सिंग किया लेकिन फोल्डेबल की बात ही अलग होती है। लुक एट दिस, क्या बढ़िया लग रहा है ये फैंटम ब्लैक मैट यहाँ पर फिनिशिंग। वैसे ये जो बैक साइड है इस पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। जी हाँ, और ये जो कैमरे का जो ग्लास है, जो लेंस है, इस पर भी DX जो लेटेस्ट कॉर्निंग है उसकी प्रोटेक्शन मिलती है, जो बहुत बड़ी बात है। एनीवेज दोस्तों, लेट मी फोल्ड। क्या बात है, अनफोल्ड। ऑलराइट, एक अलग ही फील आ रहा है इसके अंदर, मजा आ गया। एनीवेज बूट करते हैं, साथ ही साथ आपको और भी जानकारी दे देते हैं। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें, ये सैमसंग का थर्ड जनरेशन फोल्डेबल फोन है और इस बार उन्होंने इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किया है। अगर डिजाइन की मैं बात करूं, वैसे यहां पर पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपको मिलता है। जी हाँ, और ये जो फ्रेम्स है हम जब ऐसे बंद करते हैं तो ये आर्मर एल्यूमिनियम है और ये सैमसंग ने बताया कि अभी तक का सबसे पावरफुल उन्होंने फ्रेम यहां पर लगाया है किसी फोन में, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों जब आप अनफोल्ड करते हैं इस तरीके से तो ये जो थिकनेस है ये बहुत ज्यादा स्लिम हो जाती है, 6.4 mm की। जी हाँ, और जब आप इस तरीके से इसको फोल्ड करते हैं तो ये कुछ अराउंड 14.4 या उसके अबव थोड़ा होगा, इस तरीके से इसकी थिकनेस हो जाती है। और साथ ही साथ ये वर्ल्ड का पहला फोल्डेबल फोन है जो आपको IPX8 रेटिंग्स के साथ मिलता है। जी हाँ, मतलब फोल्डेबल फोन और वाटर रेजिस्टेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी वाटर टेस्टिंग करते हैं। IPX8 रेटिंग से, तो इसका मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, 1.5 मीटर तक आप पानी में लेके जाके यूज कर सकते हैं, आधे घंटे तक। हालांकि वो इसकी क्षमता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पानी में लेके जाके ही यूज करना है, पानी के छींटे उड़ जाए, कॉफी वगैरह गिर जाए, स्पिल हो जाता है वगैरह, तो उसको ये झेल सकते हैं। और एक फोल्डेबल फोन में ये चीज होना एक बहुत ही बड़ी बात है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका थोड़ा एक वाटर टेस्ट कर ले। तो मैं बस बड़ा महंगा रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, लाइक तो बनता ही है। ऑलराइट, पानी में हम डाल दिए इसको पूरा के पूरा और गूगल असिस्टेंट चालू हो गया, क्या बात है। इसको बंद कर देते हैं और कोशिश करते हैं इसको अंदर फोल्ड करने की। ओके, फोल्ड हो चुका है। ऑलराइट, क्या बात है, और ठीक है, सबमर्ज हो चुका है। हाँ, पानी तैर रहा है इसके अंदर से। ओके गाइस, लेट्स चेक। तो ये देखेंगे और हम थोड़ा सा इसको पोंछ लेते हैं फटाफट से और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक फोल्डेबल फ़ोन पर हमने वाटर टेस्टिंग किया है। एंड लुक एट दिस गाइस, ये देखो, ये देखो क्या बात है। और YouTube का वीडियो भी चला देते हैं, ऑडियो भी चेक कर लेते हैं। और यही एक चीज़ है जो मुझे इस फ़ोन में सैमसंग ने जो किया है वो बहुत पसंद आया। आई एम हैप्पी।
और उसी के साथ साथ ये 271 ग्राम्स का है। होल्ड करने पर अगर सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 से मैं कंपेयर करूं तो ये उससे थोड़ा और लाइट वेट है। तो उन्होंने जो फॉर्म फैक्टर है, जो डिजाइन है, जो थिकनेस है, जो वेट है, इस बार उन्होंने थोड़ा बेटर मेंटेन किया अगर उसको सैमसंग Z Fold 2 से कंपेयर करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो आपको ऊपर की तरफ एक स्पीकर मिलता है, आपको नीचे की साइड भी एक स्पीकर मिलता है। डुअल स्टेरियो स्पीकर से AKG ट्यून्ड है। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं। ऑलराइट, बहुत ही लाउड है और बेस भी कमाल का है। और उसके अलावा उसके बाजू में आपको 3 माइक मिलते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको सिम ट्रे मिलता है, इस बार आपको डुअल सिम सपोर्ट मिलता है जो अच्छी बात है। और उसी की तरफ राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की है और नीचे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखेंगे टैप किया ओपन हो गया। और वैसे ये पावर बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का काम करता है। और एकदम नीचे दोस्तों आपको एक और माइक मिलता है और साथ में आपको टाइप सी पोर्ट यहां पर मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 888 5G। और ये दोस्तों 5 nm वाली है, काफी बैटरी एफिशिएंट है और इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कमाल का होगा। देखिए चिपसेट तो पावरफुल है ही, लेकिन साथ ही साथ फोल्डेबल फोन में खेलने का मजा ये होता है कि आप बड़े स्क्रीन पर गेमिंग का और भी अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। और वैसे इसमें ऐप कंटिन्यूटी वाला फीचर है, यानी कि इनकेस अगर आप कवर डिस्प्ले पर खेल रहे, आपने ऐसे अनफोल्ड किया, वो ऑटोमेटिकली अंदर कंटिन्यू हो जाएगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ ये गेम्स के अलावा एप्स पर भी काम करता है। आपने अंदर कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, बंद कर दिए, वो बाहर कंटिन्यू हो जाएगा, और बाहर कर रहे हो, ओपन कर लिए, वो अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन करने से ये काम कर लेता है। और उसके अलावा दोस्तों जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कमाल का था। मैं 3 ऐप्स बैकग्राउंड में यूज कर रहा हूं, 2 पॉपअप विंडोज भी चालू कर रहा हूं, मैं एक टाइम पर 5 ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहे थे। यानी कि यहां से वहां अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना है फोटोज, वो भी आप आसानी से यहां पर कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी वाले काम आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग विंडोज के लेआउट्स को भी आप सेफ रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उन पर टैप करोगे, वो आपके जो ऐप्स आपको यूज करना है, जो आपने सेफ रखा है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस आपका इसमें होगा गेमिंग के साथ साथ जो डे टू डे लाइफ का जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। साथ ही साथ ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसमें आपको एस पेन का सपोर्ट मिलता है। यस, और दोस्तों एस पेन में तो हमें पता है हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ लिख दिया वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको बताया फोल्डेबल फोन है तो उसमें आपको फ्लेक्स मोड का भी सपोर्ट मिलता है। देखिए ये जो मैं ऐसा फोन रखा हूं, ये फ्लेक्स मोड है, यानी कि यहां पर आप ऐप यूज करो, उसके बहुत सारे फंक्शंस आप नीचे भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐप्स सपोर्ट करता है, आप सेटिंग्स में जाके इनको ऑन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताया एस पेन का फायदा इसमें क्या होगा कि अगर यहां पर इस तरीके से फ्लेक्स मोड में मैं एक तरफ वीडियो देख रहा हूं तो नीचे आप नोट्स की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहां पर लिख रहे, वीडियो भी देख रहे, इस तरीके से आपको फायदा मिलता है। तो जो एस पेन है दोस्तों, उसका सपोर्ट इसमें जो है वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की चीज है और ये सेपरेटली सोल्ड होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से परचेज करिए। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको एक नहीं बल्कि 2-2 डिस्प्ले मिलती है। ऑब्वियसली अगर कवर डिस्प्ले की बात करें तो सामने आपको 6.2 इंच की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और यहां पर आपको सेंटर पंच होल है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और उसके अलावा ये 25:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। लेकिन यहां पर इस बार 2 बड़े चेंजेस हुए, एक तो आपको उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टिस की प्रोटेक्शन मिलती है, जी हां, जो बैक साइड में था वो उन्होंने कवर डिस्प्ले पर भी दिया, जो अच्छी बात है। और उसके अलावा आपको हाईर रिफ्रेश रेट मिलता है 120Hz का, जो Z Fold 2 में नहीं था। Z Fold 2 में कवर डिस्प्ले पर 60Hz था, इसमें है 120Hz। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, इंप्रूवमेंट है जो सैमसंग ने यहां पर किया है और मैं लिटरली इस चीज का वेट कर रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहां पर होता है तब जब आप उसको अनफोल्ड करते हैं। अंदर की साइड आपको 7.6 इंच की यहां पर हाईर रिफ्रेश रेट वाली 120Hz वाली डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इस बार सैमसंग ने इसमें एको 2 डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये यानी कि इस तरीके की डिस्प्ले जो नॉर्मल ओलेड्स होते हैं उनसे लेस पावर कंज्यूम करती है और साथ ही साथ ये 29% ब्राइट है अगर हम उसको Z Fold 2 से कंपेयर करते हैं। तो जो इनर डिस्प्ले है वो ब्राइट भी है, पावर भी लेस कंज्यूम करती है और हाँ तीसरी चीज थोड़ी टफ भी है। तो उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट्स किया है इनर डिस्प्ले में भी और ये 1200 nits ब्राइटनेस के साथ आता है। जो विजिबिलिटी थी इसकी वो बहुत ही कमाल की थी, जो कलर्स थे वो बहुत ही पंची थे। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया जो अंदर वाले डिस्प्ले, इसमें आपको कोई भी पंच होल नहीं मिलता है जैसे कि Z Fold 2 में था, इसमें नहीं है। इस बार सैमसंग ने इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया है। ये वर्ल्ड का पहला फोल्डेबल फोन बन जाता है जो अंडर स्क्रीन कैमरे के साथ आता है और यहां पर दोस्तों हल्के पिक्सल्स आपको दिखाई देंगे अगर आप गौर से देखोगे, लेकिन जब आप कोई कंटेंट देखते हो तो वहां पर वो
विजिबल नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सैमसंग ने ये चीज इस्तेमाल करी ताकि आपको जो एक्सपीरियंस मिले जब आप अनफोल्ड करें वीडियोस देखें गेम के लिए वो आपको एकदम कमाल का मिले। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें है एंड्रॉइड 11 और साथ में वन यूआई 3.1.1 चलता है और यस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं ये ऑप्टिमाइज्ड हुआ है फोल्डेबल फोन्स के हिसाब से भी। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं होते, इसमें होते हैं। उन्होंने सेटिंग्स में इस बार कुछ नए ऑप्शंस दिए जो Z Fold 2 में भी नहीं थे, जिसमें जाके आप ऐप्स का और भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी चीज आपको यहां पर मिलती है। वैसे साथ ही साथ आपको LPDDR5 RAM सपोर्ट है और UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट है, तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है डे टू डे लाइफ के जो टास्क करते हैं मल्टीटास्किंग वगैरह ये वो एकदम यहां पर स्मूथ होता है। बैटरी की बात करेंगे, इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है, बैटरी कैपेसिटी डिसेंट है और साथ में 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है। जैसे कि मैंने कहा चार्जर आपको सेपरेट लेना पड़ेगा, 11W वायरलेस चार्जिंग भी है और 4.5W आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। और इसमें दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं पिछले एक हफ्ते से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैटरी अच्छी चलती है। फोल्डेबल फोन्स में सबसे ज्यादा कंसर्न क्या होता है, अरे यार फोल्डेबल फोन है अंदर वाला बड़ा डिस्प्ले यूज करूंगा तो बैटरी कैसी चलेगी, तो अच्छी चलती है। अगर आप मेरा चार्ज साइकिल देखोगे, आप मेरा स्क्रीन ऑन टाइम देखोगे, तो मुझे बहुत अच्छा बैकअप मिला और मैं दिन में सिर्फ एक बार चार्ज करता हूँ, तो वहां पर मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ था। फिलहाल के लिए मेरा एक्सपीरियंस बैटरी के मामले में अच्छा था। मेरा नॉर्मल यूज होता, मैं ज्यादा गेम नहीं खेलता, तो उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं इस पर एक फुल रिव्यू करने की प्लान कर रहा हूँ, बैटरी हम पूरा टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आप बने रहना। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करते हैं तो पीछे आपको 12 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, सैमसंग Z Fold 2 जैसा ही सेटअप है। प्राइमरी 4K at 60fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको OIS मिल जाता है साथ में, 12 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो है, अप टू 10x आपको जूम मिलता है, इसमें भी आपको OIS मिलता है, फिर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। कैमरे में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, नाइट मोड वगैरह सब कुछ उन्होंने यहां पर दे दिया है। कवर जो सेल्फी है सामने की साइड वो 10 मेगापिक्सल है, यहां पर भी 4K at 60fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, AIS वगैरह मिलता है और भी बहुत सारे फीचर्स है। और जो अंडर डिस्प्ले कैमरा है ये 4 मेगापिक्सल का है, यहां पर फुल HD आप 60fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप रियर कैमरा से भी सेल्फीज ले सकते हो और फोल्डेबल फोन्स का यही कमाल होता है और ये सबसे बेटर तरीका है अगर आपको बढ़िया सेल्फीज यहां पर निकालनी है। अब कैमरे के सैंपल्स देखते हैं तो रियर कैमरे के पहले आपको मैं फोटोज दिखा रहा हूं, काफी नेचुरल फोटोज आते हैं, शार्पनेस अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज मुझे अच्छा लगा है, तो हाँ आप अच्छे खासे फोटोज यहां पर दिन में निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर नाइट भी देख लोगे तो नाइट में भी आप रियर कैमरे से अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं, जो नॉइस है वो काफी कम है और क्वालिटी आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप सेल्फी देखते हो तो कवर सेल्फी में आपको दिखा रहा हूं 10 मेगापिक्सल, डे और नाइट आप दोनों देखिए, काफी बढ़िया फोटोज आते हैं, जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो आपको यहां पर काफी अच्छी मिल जाती है और नाइट में भी काफी कम नॉइस होता है, तो बहुत ही बढ़िया फोटोज आप यहां पर निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आपको अंडर स्क्रीन कैमरा भी जो है वो भी फोटोज दिखा देता हूं, हालांकि ये फोटोज अगर आप कवर सेल्फी या रियर कैमरे से कंपेयर करते तो उनके मुकाबले अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अगर आपको वीडियो कॉल वगैरह करना है उन मामलों में आप इस वाले कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रियर कैमरे के सेल्फी की बात करता हूं तो ये भी जैसे कि मैंने कहा आप निकाल सकते हैं और इसमें तो मजा ही कुछ और है, तो इस तरीके का भी आप फोटोज यहां पर निकाल सकते हैं। वीडियो देखेंगे दोस्तों, वीडियो भी बहुत अच्छे आए हैं, ऑब्वियसली OIS से तो स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी मिल जाती है और डायनामिक रेंज वगैरह सब कुछ आपको यहां पर अच्छा मिलता है, और सेल्फी वीडियो देखेंगे तो मैंने सोचा सीधा हम रियर कैमरे से सेल्फी वीडियो ले लेते और क्वालिटी देखेंगे तो यस आपको यहां पर काफी कमाल की मिलती है। ऑलराइट, तो यहां पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, ये काफी इनोवेटिव फोल्डेबल स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से और प्रीवियस जनरेशन से उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करे, प्राइस भी उन्होंने वैसे ही मेंटेन किया है और जो एक्सपीरियंस होगा आपका वो इस बार बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दिया, वहां पर जाके आप चेकआउट करके बने रहना, इस पर और भी वीडियोस आएंगे तो उसके लिए भी आप बने रहना। सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।